हिंदुस्तान के मशहूर व मारूफ सेंट्रल यूनिवर्सिटियों में से एक यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद आए हुए हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद का स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज़ का ये एक्सटेंशन है। इस बिल्डिंग से आप ग्रेजुएशन में, बीए में इंग्लिश स्टडीज़, संस्कृत और फॉरेन लैंग्वेजेस, एमफिल, एमए, मास्टर डिग्री और पीएचडी के साथ साथ डिप्लोमा भी कर सकते हैं। ये फॉरेन लैंग्वेजेस यानी कि आप यहाँ से चाहें तो फारसी, कोरियन, उसके अलावा अरबिक, चाइनीज़, जापानीज़ और दीगर लैंग्वेजेस कर सकते हैं। ये एक्सटेंशन बिल्डिंग है, यहाँ से डिप्लोमा, उसके बाद ग्रेजुएशन और मास्टर डिग्री भी कर सकते हैं, साथ ही साथ एमफिल और पीएचडी कर सकते हैं। ये स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज़ का एक्सटेंशन बिल्डिंग है और यहाँ से जो कोर्सेज अवेलेबल हैं यहाँ पे वो है संस्कृत, फॉरेन लैंग्वेजेस और इंग्लिश स्टडीज़। और इसी के साथ साथ ये नई बिल्डिंग है और ये पुरानी और कदीम बिल्डिंग है। यहाँ से आप चाहें तो ग्रेजुएशन इन उर्दू, हिंदी, तेलुगु, इंग्लिश कोर्स और उसके अलावा दीगर लैंग्वेजेस से एमए, एमफिल और पीएचडी कर सकते हैं। हैदराबाद यूनिवर्सिटी का शुमार हिंदुस्तान के मशहूर व मारूफ और अहम यूनिवर्सिटियों में होता है। बहुत ही मशहूर व मारूफ यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे आप सारे कोर्सेज के लिए आपको एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा। एंट्रेंस टेस्ट में आप कामयाब होते हैं तभी आप का एडमिशन और दाखिला होगा। 10 रैंक के अंदर ये यूनिवर्सिटी आती है और साथ ही साथ ये इंग्लिश मीडियम में इस पढ़ाई दी जाती है, की जाती है, यहाँ से कर सकते हैं। आपको बताता चलूँ कि उर्दू, हिंदी और तेलुगु के अलावा यहाँ जितने भी सब्जेक्ट हैं उसका टीचिंग ऑफ मीडियम ऑफ टीचिंग जो ज़रिए ज़बान तालीम की जो ज़बान है वो अंग्रेज़ी है, खालिस अंग्रेज़ी है। तो इसलिए इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं और उसके स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज़, ये देख सकते हैं लिखा हुआ है, स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज़ में एमए, एमफिल, पीएचडी करना चाहते हैं, चाहे वो उर्दू हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, तेलुगु हो, तो आपको इंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा। इंट्रेंस टेस्ट में कामयाबी के बाद ही आपका एडमिशन होगा। इसी के साथ आपके अपने प्यारे दोस्त खुशतर जामाई को यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के शोबे ह्यूमैनिटीज़, स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज़ से दीजिए इजाज़त। फिर मिलते हैं किसी नई जगह, नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।